Audio Jungle. रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन और एक वेन डायग्राम लेके हूं, जो एग्जाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहना। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक पे जरूर दबाएं। देखना स्टूडेंट, पिता, चाचा, महिला, आपको तीन नाम मिलेंगे, तीनों में संबंध बताना है, तीनों का डायग्राम कौन सा होगा वो बताना है। पिता, चाचा, महिला, ध्यान से देखना। पिता होता है वो किसी का चाचा हो सकता है, और चाचा पिता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी कारण इसका डायग्राम होगा, यानी कुछ तो पिता क्या होंगे, चाचा होंगे, और कुछ चाचा क्या होंगे, पिता होंगे। महिला अलग है, यानी ये भी मेल है, ये भी मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। इसी कारण इसका ऑप्शन नंबर निकल के आता है सी ऑप्शन। इसका क्या है करेक्ट आंसर, यानी कुछ पिता क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, कुछ चाचा क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, महिला अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिता, पुरुष, बच्चा, इनमें क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखना। यानी ये क्या है, पिता, पिता किसके अंदर आएगा, पुरुष के अंदर, और पुरुष में यानी कुछ पुरुष, बच्चा किसमें, यानी लड़कियां भी बच्चा होती है और लड़के भी होते हैं, यानी कुछ बच्चे होंगे पुरुष में और कुछ में आ जाएंगे स्त्रीलिंग में, यानी फीमेल में, यानी मेल और फीमेल में, यानी पिता, पुरुष, और ये कुछ बच्चे क्या है, पुरुष है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, तीन नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मां, स्त्री, डॉक्टर, इनमें क्या संबंध है। आपको पता है डॉक्टर पुरुष भी होता है और महिला भी होती है, लेकिन जो मां होती है वो स्त्री होती है, यानी ये स्त्री, ये मां, लेकिन कुछ मां भी डॉक्टर होती है और कुछ स्त्री भी क्या होती है, जो मां नहीं होती लेकिन डॉक्टर होती है, यानी यानी ये सर्कल बनेगा, ये आपको नजर आता है ए ऑप्शन में, यानी इसका आंसर है ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, चार नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मां, महिला और विधवा, ध्यान से देना। विडो यानी आपको मां है वो किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर, और कुछ मां विधवा होती है, कुछ महिला भी क्या होती है, विधवा होती है, यानी महिला मां नहीं बनती, विधवा हो जाए, यानी विधवा हो गई। यानी ध्यान से देखना, इसका डायग्राम होगा ये महिला, ये मां, कुछ मां क्या होती है, विधवा, विडो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, पांच नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर, पुरुष, स्त्री, डॉक्टर, पुरुष, स्त्री, ध्यान से देखना। पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है, स्त्री भी डॉक्टर हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है ए बी ऑप्शन, कौन सा आएगा, बी ऑप्शन, यानी कुछ तो डॉक्टर, जो कुछ डॉक्टर होंगे वो पुरुष होंगे और कुछ क्या होंगे, महिला होंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, अब इसमें तो ये ऑप्शन, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर तो क्या होते हैं पुरुष, और कुछ क्या होती है, महिला होती है। ऐसा होना चाहिए 100% तो डायग्राम ये करेक्ट है, लेकिन अपने क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। यानी एग्जाम में ये आ जाए तो ये बेटर सही है, यानी 3 स्टार पर इसको देंगे, लेकिन एग्जाम में ये मिले तो ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टार लगाना। कीट, मक्खियां और कुत्ता, ध्यान से देखना। कीट, मक्खियां, कुत्ता, तो ध्यान से, यानी मक्खी किसमें आ जाएगी, कीट में आ जाएगी। मक्खी किस में आ जाएगी, और कुत्ता एक पशु है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया, यानी मक्खी, मक्खी किसका है, कीट में, और ये क्या है, कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, स्टार लगा लें, ध्यान से देखना। यानी कीट, ये मक्खी, और ये क्या है, कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन, देखना। हाँ स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन। गौरैया, पक्षी, चुया, ध्यान से देखना, इसका कौन सा डायग्राम बनता है। गौरैया,
पक्षी, यानी गौरैया किस में आ गई, पक्षी में आ गई, चूहा एक अलग है, यानी गौरैया किस में आ गई, ये गौरैया हो गई, ये पक्षी हो गया और ये चूहा हो गई। ऑप्शन नंबर डी कौन सा इसका है करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हाँ स्टूडेंट, आठ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, गायक लड़के नर्तक किया। ध्यान से देखना, जो गायक होता है वो डांस कर सकता है, लड़के होते हैं वो गायक भी यानी गा भी सकते हैं और डांस भी करते कर सकते हैं, यानी तीनों में संबंध होगा। इंपोर्टेंट आकृति है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली आकृति है, यानी कुछ गायक लड़के होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नर्तिका, इन तीनों में संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा निकल गया है, करेक्ट आंसर है बी, यानी गायक लड़के और नर्तिका, जो तीनों में, यानी नर्तिका गायक हो सकती है, नर्तिका लड़का हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, सात नंबर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आभूषण सोना चांदी, यानी आभूषण में सोने के भी क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, चांदी के भी क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन है और कौन सा आंसर माना है ये भी देखना है। आभूषण में ये आएगा, ये तो आभूषण है और आभूषण में सोना और ये चांदी, सोना और चांदी दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखना, बी नंबर ऑप्शन है। यदि एग्जाम में आपको ये लगे कि सोना ले, सोना की तो प्लेट भी हो सकती है, प्लेट चांदी की भी हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर इसका आंसर कौन सा माना है, ये तो क्या है आभूषण और ये क्या है सोना और चांदी है, कौन सा है सोना और चांदी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ दस नंबर क्वेश्चन में आते हैं, शेर लोमड़ी मांसाहारी, शेर लोमड़ी मांसाहारी, यानी शेर भी मांसाहारी है, लोमड़ी भी मांसाहारी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये तो मांसाहारी और ये शेर और ये लोमड़ी, शेर और लोमड़ी दोनों अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया था सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पक्षी चमगादड़ बिल्ली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले, ध्यान से देखना, पक्षी चमगादड़ बिल्ली। अब ध्यान से, चमगादड़ शब्द है आपको वैसे उड़ता तो है, पक्षी तो है, लेकिन स्तनपाई है, मेमल्स है, यानी न कि पक्षी, पक्षी चमगादड़ बिल्ली तीनों ही अलग अलग है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चमगादड़ उड़ता तो है लेकिन स्तनपाई है, मेमल्स है, तो इसी कारण तीनों ही अलग अलग होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, मछली वेहल मगरमच्छ, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ गया। अब आपको सुनने में तो आएगा वेहल एक मछली, अपन बोलते थे इसे वेहल मछली, लेकिन वेहल भी एक मैमल से स्तनपाई है, यानी मछली और वेहल दोनों ही अलग अलग है, और अगला है तीसरा मगरमच्छ, तीनों ही अलग अलग, कोई संबंध नहीं है, यानी तीनों का ही अलग अलग डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रबंधक मजदूर संगठन लेबर यूनियन श्रमिक, ध्यान से देखना, प्रबंधक मजदूर संगठन श्रमिक, तो यूनियन में लेबर यूनियन में श्रमिक तो आ जाता है, प्रबंधक मैनेजर एक अलग पोस्ट है, यानी इसका डायग्राम रहेगा ये वाला, यानी श्रमिक किस में आ गया, मजदूर संगठन में आ गया और प्रबंधक अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति बुद्धि चिंत्या, शक्ति बुद्धि चिंत्या, इनमें तीनों ही अलग अलग डायग्राम बनेगा। शक्ति भी अलग होगी, अपनी बुद्धि भी अलग होती है और चिंता भी क्या होती है अलग होती है, इसी कारण आंसर निकल के आता है इसका सी ऑप्शन, तीनों ही क्या है अलग अलग है। हाँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता लेक्चरर डॉक्टर, इनमें क्या संबंध है, कौन सा वेन आरेख आएगा, ध्यान से देखना, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता डॉक्टर, कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर बता सकते हो, ध्यान से देखना, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता डॉक्टर। अब जो डॉक्टर होगा, कुछ डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, यानी कुछ डॉक्टर होंगे वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ लेक्चरर सरकारी कर्मचारी होते हैं
और कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो स्टडी पढ़ा भी सकते हैं, लेक्चर भी ले सकते हैं, पीएमटी कोचिंग इनमें पढ़ा सकते हैं आराम से, यानी डॉक्टर पढ़ा भी सकते हैं और डॉक्टर का काम भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर जो प्राइवेट भी होते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, तीनों ही आपस में संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी सरकारी कर्मचारी डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर व्याख्याता हो सकता है, डॉक्टर क्या हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मानव समाज युवा संघ राजनीतिक दल युवा, अब इनमें कौन सा रिलेशन, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना। यानी अपन बोले कुछ युवा हैं, मान लो ये युवा है, कुछ युवा राजनीति से संबंध रखते हैं, क्या रखते हैं, राजनीति संबंध रखते हैं। कुछ युवा होते हैं मानव समाज युवा संघ में आते हैं, किसमें आते हैं, मानव समाज युवा संघ में, और जो कुछ स्टूडेंट है मान लो वो एसएससीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट ही अपने राजनीतिक दल में आएंगे, कुछ स्टूडेंट आएंगे मानव समाज युवा संघ में आएंगे। ये ऑप्शन आपको नजर आता है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 17 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बच्चे गंभीर नटखट, इनमें कौन सा वेन डायग्राम बनता है, ध्यान से देखना। यानी ये बच्चे का पार्ट है, ये मान लो बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे होते हैं वो नटखट भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सीरियस भी होते हैं यानी गंभीर भी होते हैं। कुछ बच्चे नटखट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सीरियस होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 18 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक चित्रकार नाटककार, ध्यान से देखना, जो टीचर होता है उसमें चित्रकार भी हो सकता है, नाटक भी कर सकता है वो, चित्रकार नाटककार यानी दोनों काम कर सकता है। यानी मान लो ये तो अध्यापक है, अध्यापक कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, चित्रकार, और कुछ नाटककार अध्यापक भी हो सकते हैं और चित्रकार भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाँ स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरतें बहनें पत्नियां, दोनों ही बहन और पत्नियां दोनों ही हुमेन है, औरत है, लेकिन ये तो औरत हो गई, क्या हो गई, औरत हो गई, ये कुछ बहन पत्नी भी होती है, कुछ बहन पत्नी नहीं होती है, कुछ पत्नी होती है वो बहन नहीं होती है, लेकिन कुछ पत्नियां क्या होती है, बहन होती है। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सी आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन में, दालें अरहर मूंग दाल, दोनों ही दाल है, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा ये दाल दोनों अरहर और मूंग दाल, यानी दाल के अंदर अरहर और मूंग दाल आ गई, लेकिन दालें हैं दोनों अलग अलग, क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ए आंसर। अगले क्वेश्चन में, हाँ स्टूडेंट, 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पर्वत जंगल पृथ्वी, पर्वत जंगल पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर ही पर्वत है और क्या है, जंगल है, लेकिन पर्वत और जंगल दोनों ही क्या है, अलग अलग है, ध्यान से देखना, ये क्या है, पृथ्वी है और ये क्या है, जंगल है और ये क्या है, पर्वत है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य चंद्रमा तथा तारे, इनमें क्या संबंध है, सन मून स्टार, ध्यान से देखना, जो सन है अपना एक तरह क्या है, स्टार है, क्या है, स्टार है, जो मून है वो एक अलग है, यानी ये स्टार, ये अपना सन और ये क्या है, चंद्रमा, ऐसा ऑप्शन अपने को नजर आता है ए ऑप्शन में, करेक्ट आंसर है ए आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाँ ध्यान से देखना, 23 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, मानव अध्यापक स्नातक, ध्यान से देखना, मानव अध्यापक स्नातक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, मानव अध्यापक स्नातक, ये तो आपका मानव हो गया, अब ध्यान से देखना डायग्राम, ये आंसर आएगा या ये आएगा, अब आपको पता कुछ टीचर्स होते हैं वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी स्टडी कर रहे थे, कुछ टीचर ऐसे होते हैं संगीत सिखाते हैं वो भी क्या बोलते हैं, टीचर ही बोलेंगे उसको, ढोलक बजाना सिखाएंगे उसको भी क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे। इसी प्रकार जो कुछ टीचर होंगे वो क्या होंगे,
ग्रेजुएट होंगे, क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। ऑप्शन नंबर इसका निकल के आता है डी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ स्टूडेंट, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बहुभुज, इनमें कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार है, यानी ये तो आपका बहुभुज हो गया, क्या हो गया, बहुभुज हो गया। यदि चतुर्भुज आता और समलंब चतुर्भुज आता तब तो आपका ये डायग्राम तीनों ही अंदर आ जाते, लेकिन ये चतुर्भुज के प्रकार है दोनों, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है कौन सा ऐसा, ये बहुभुज, दोनों ही चतुर्भुज अलग अलग है, ऑप्शन नंबर निकल के आता है ए इसका करेक्ट। अब ध्यान से देख रहा, यदि क्वेश्चन आ जाता अपना क्या, समांतर चतुर्भुज, क्या आ जाता, समांतर चतुर्भुज, एक आ जाता अपना चतुर्भुज और एक आ जाता बहुभुज, क्या आ जाता बहुभुज, तब इसका आंसर रहता ये वाला, ये बहुभुज, ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर कौन सा आ जाता, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, वर्ग, आयत और क्या आ जाए बहुभुज, क्या आ जाए बहुभुज, वर्ग, आयत, बहुभुज, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। मैंने आपको जब फिगर काउंटिंग बताया था, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, ये आपका बहुभुज, बहुभुज के बाद में ये क्या है, आयत, और आयत के अंदर क्या आएगा वर्ग। यदि ये क्वेश्चन आए तो आंसर ये रहेगा, और यदि समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज आए तब आंसर ये रहेगा, और दोनों यदि चतुर्भुज के प्रकार आ जाए तब आपको ये दोनों अलग अलग, और ये क्या होगा बहुभुज होगा। तीन क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पेन लेके बैठना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 100% देखने के लिए मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, ऐसी कौन सी संख्या है, स्टूडेंट इसकी का अगला पार्ट है, ध्यान से देखा, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में आई है, यानी केवल वर्ग में यानी स्क्वायर में आई है, केवल वर्त में आई है, केवल रेक्टेंगल में यानी आयत में, ऐसी संख्या ढूंढनी है तो आपको नजर आ रहा होगा ये नौ, नौ केवल रेक्टेंगल में ही है, ना तो सर्कल में है ना वर्ग में है, केवल किस में है, आयत में है, यानी एक तो नौ, नौ 100% है, नौ इसमें नहीं है, नौ इसमें नहीं है, दो ऑप्शन क्या हो गए कट गए। आगे बढ़ते हैं, नौ यहां है और यहां क्या है वन, वन केवल सर्कल में ही है, ना तो वर्ग में है ना आयत में है, एक आएगा क्या एक, एक और नौ कहां नजर आ रहे हैं, इस ऑप्शन में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में आ रहे हैं, ये ऑप्शन कट गया, और यहां देखना दो केवल किस में है, स्क्वायर में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया एक, दो और नौ, ये कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, कौन से नंबर में आ रहे हैं, दो नंबर में इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत है, अब यहां आपको ट्राइंगल शिक्षित को दर्शा रहा है, ये वर्त कार्यरत को दर्शा रहा है, ये वर्त किसको दर्शा रहा है, ग्रामीण को दर्शा रहा है, आपको ये नहीं बोला कि ग्रामीण नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं बोला गया, शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, यानी इस सर्कल में आना चाहिए और इस ट्राइंगल में आना चाहिए, यानी आपको ये 12 नजर आ रहा है, ट्राइंगल में भी है और इस वर्त में भी है, एक तो 12 हो गया, ये 6 नजर आ रहा होगा आपको, इस ट्राइंगल में भी है और इस सर्कल में भी, क्यों, कार्यरत भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, यानी 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया, यानी ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत है, कितने स्टूडेंट 18 है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखना स्टूडेंट, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो अध्यापक है, यानी न तो टीचर है और न ही क्या है, ना तो गायक होना चाहिए और ना ही
पिचर होना चाहिए, ओनली फोर क्या होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। जो सर्कल है वो खिलाड़ी को दर्शा रहा है, जो ट्रायंगल है वो किसको दर्शा रहा है, स्टूडेंट शिक्षक को दर्शा रहा है, जो आयत है वो किसको दर्शा रहा है, गायक को दर्शा रहा है स्टूडेंट। तो आपको पूछा है ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो टीचर है और ना ही गायक है, तो ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे 12 न तो शिक्षक के अंदर आ रहे हैं, यानी ना तो ट्रायंगल के अंदर है ना आयत के अंदर है, ओनली फोर इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 12। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मैं संजय कुमार।